क्या कभी आपने सोचा है कि अब तक का सबसे मुश्किल स्टंट कौन सा है? मैजिशियन डेविड ब्लेन ने वैसे तो कई रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टंट किए हैं, मगर उनका फ्रोजन इन टाइम नाम का स्टंट अब तक का सबसे हार्डेस्ट चैलेंज माना जाता है, जिसने इंसान के फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस के लिमिट्स को टेस्ट किया था। डेविड ने लगभग 3 दिन तक एक आइस ब्लॉक में रहने का कारनामा करके दिखाया था। ऐसे चैलेंजिंग स्टंट्स उन्होंने पहले भी किए थे, मगर इस चैलेंज के दौरान एक पॉइंट ऐसा भी आया था कि उन्हें हेलुसिनेशन की वजह से अजीब सी तस्वीरें दिखने लगी थी और चैलेंज खत्म होने के लिए 8 आवर्स बाकी थे और उसे आगे कंटिन्यू कर पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने विल पावर का सीक्रेट रिवील करते हुए बताया वो बस अपने एफर्ट्स को अगले 2 घंटे तक एक्सटेंड करने के लिए पुश कर रहे थे और पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो 2 घंटे खत्म करते थे। स्टंट खत्म होने तक यही चीज वो रिपीट करते गए। छोटे छोटे टारगेट बनाने से मंजिल आसान लगने लगती है। इस पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक को चंकिंग कहा जाता है। डिफिकल्ट टास्क स्मॉल स्मॉल चंक्स में बांटने से वो अचीवेबल लगने लगता है और हमारा ब्रेन हमें रेजिस्ट करने के बजाय उसे कंप्लीट करने के लिए हमें पुश करता है।